الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقران العظيم باب العلم انواریا ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریا حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسطوار جاری ہے. ہمارا آج کا بیان پارہ نمبر 15 سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 25 سے شروع ہوتا ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا اور وہ اپنے گار میں 300 سال ٹھہرے وَزْدَادُوا تِسْعًا اور وہ 9 سال اور پڑھے. ایک ترجمہ ایک تفسیر کے بنا پر. دوسرا ترجمہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گار میں 300 سال ٹھہرے وَزْدَادُوا تِسْعًا اور اپنے اس قول میں 9 سال اور بڑھ گئے. پہلے ترجمہ کے بنا پر مفسر اس کی تفسیر کرتے ہیں. یریدو لبسهم فيه احياء مضروبا على اذانهم هذه المده. مفسر کہتے ہیں, صاحب مدارک کہتے ہیں, یرید اس لفظ سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. اس تفسیر کے ذریعے سے اولاً ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ نزول کہف تک 300 سال سے زائد ان کا اس غار میں گزر چکا تھا, بلکہ اگر کہا جائے اس قول کی بنا پر کہ 400 سال سے زائد یقیناً گزر چکا, تو پھر یہ بات کیسے درست ہے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال اور 9 سال یعنی 309 سال رہے. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہاں ٹھہرنے سے, آیت میں ٹھہرنے سے مراد ہے حالت حیات میں ٹھہرنا, اس حیات کی حالت میں جس حال میں کہ انہیں ان کے کانوں کو تھپ تھپا کر سلا دیا گیا تھا, وہ ٹھہرنا یہاں پر مراد ہے. مفسر کہتے ہیں کہ یرید مراد یہ ہے کہ ان کا, اصحاب کہف کا وہاں یعنی غار میں باحیات ٹھہرنا اس حال میں کہ ان کے کانوں کو تھپ تھپا کر سلا دیا گیا تھا. ہذہ المدہ ان کے ٹھہرنے کی یہ مدت ہے یعنی 300 سال ہے. واہ واہ بیان. مفسر کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا یہ قول فی کہفہم ثلاثہ مئتن سنین, یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے قول کا بیان ہے جس قول میں اجمال ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کون سا دوسرا قول ہے؟ اس سے پہلے یہ قول گزر چکا, فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا.
तो यहाँ पर यह है सनीन अदादा सालहा साल। अब सालहा साल ये मुबहम है, इसमें इजमाल है, मुजमल है। अब वो कितने साल, तो उसको बयान फरमाया यहाँ पर सलासा मियतिन सनीन। इसको कहते हैं कि ये दर हकीकत अल्लाह ताला का ये कौल बकौल मुफस्सिर के कि ये बयान है उस इजमाल का जो अल्लाह ताला के इस कौल में है। वसनीन अतफ़ बयान, ये नहवी गुफ्तगू कर रहे हैं मुफस्सिर के सलासा मियतिन सनीन में ये सनीन अतफ़ बयान है, तो मतलब ये हुआ कि लबसु सलासा मियतिन वो 300 ठहरे 300 सनीन यानी साल। अतफ़ बयान नहवी इस्तिलाह है, अतफ़ बयान एक ऐसा ताबे है जो अपने मतबू को वाज़ेह और रोशन कर देता है। तो 300 साल मतबू और सनीन ये ताबे। वह सनीन है अतफ़ बयान, ये सनीन अतफ़ बयान है सलासा मियतिन का। तो एक किरत तो ये है लबसु फ़ी कहफ़िहिम सलासा मियतिन सनीन, एक किरत ये है कुर्राए सबा में से। एक दूसरी भी किरत है सलासा मियते सनीन, इससे पहले था सलासा मियतिन सनीन और यहाँ पर है सलासा मियते सनीन। बिल इजाफते कहना चाह रहे हैं कि इजाफत के साथ, यानी यहाँ पे मियाँ की इजाफत सनीन की तरफ है दूसरी किरत में, और वो उस किरत में इजाफत मियाँ की सनीन की तरफ नहीं है। तो एक किरत वो थी और एक किरत ये है सलासा मियते सनीन बिल इजाफा, इजाफत के साथ यानी मियाँ सनीन की तरफ मुजाफ है। ये किन की किरत है सलासा मियते सनीन? ये हमज़ा की किरत है, अली की किरत है। अब यहाँ पर एक सवाल ये कि सलासा मियते सनीन, यहाँ सनीन बहरहाल तमीज़ है, तमीज़ के बारे में नहवियों का कहना है कि वो मुफरद हुआ करती है और मंसूब हुआ करती है, मगर सनीन जमा है मुफरद नहीं है। तो उसका जवाब दे रहे हैं अलावाज इल्जम इमौज़ अलवाहिद फित तमीज़, कहते हैं ये इस तौर पर कि यहाँ जमा को वाहिद की जगह रख दिया गया है तमीज़ में, और इसकी दूसरी मिसाल भी कुरान में मिलती है, जैसे कि बिल अक्सरीन आमाला में आमाला भी तमीज़ है मगर जमा है। तो जिस तरह आमाला तमीज़ है बावजूद इसके कि जमा है उसी तरीके से सनीन तमीज़ है, जमा है, जमा को वाहिद मुफरद की जगह रखा गया। वज़दादु तिसअ ए तिस असनीन, और वो 9 को और बढ़े यानी 9 साल, इशारा करना चाह रहे हैं कि इसका मुज़ाफ़िल मुक़द्दर है और वो सनीन है। कैसे सनीन है? क्यों? माकबल के दलालत करने की वजह से सलासा मियते सनीन माकबल दाल है कि यहाँ पर जो मुक़द्दर है वो सनीन है। तिसअन ऐ तिसअ सनीन, समझ रहे हैं? तो जो मुज़ाफ़िल मुक़द्दर है वो सनीन है, इस बात की दलील इसका माकबल है। अब इराब बयान कर रहे हैं कि तिस अन को नसब क्यों है, तो कहते हैं तिस अन को नसब इसलिए है कि मफूले बही है, लेना ज़्यादा तक तजी मफूलैन, बताने ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा यजीदो, इसे दो मफूल चाहिए और फ़ज़दादा को एक मफूल चाहिए, और वो यहाँ पर तिस आ है। قُلِ اللَّهُ عَلَمْ بِمَا لَبِسُوا, तुम कहो कि अल्लाह उनके ठहरने की मुद्दत को बेहतर जानता है। ऐ हुआ आलमो मिन अल्लज़ीन अख्तलफू फ़ीहिम बिमुद्दत लुफ्सहिम वलहक मा अख़बरक बिही, यानी अल्लाह उन लोगों से ज़्यादा जानता है जिन्होंने कि उनके ठहरने की मुद्दत में
इख्तलाफ किया है। अल्लाह इन इख्तलाफ करने वालों से ज़्यादा इल्म रखता है उनके ठहरने की मुद्दत का। वलहकमा अखबरा कभी, और हक वही है जो उसने तुमको बता दिया कि वो 309 साल ठहरे। और हुआ हिकायत ले कलाम अहले किताब, और इस तफसीर से दर हकीकत साहिब मदारिक एक इख्तलाफ की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, एक गहरी बात की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। और वो गहरी बात जिसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं वो ये कि आयत करीमा वलबसू फी कहफिहिम सलासमियतिन सिनीन वज़दादु तिसअ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है या इख्तलाफ़ अस्हाब कहफ़ की मुद्दत इकामत में इख्तलाफ करने वालों का कलाम है। तो एक तफसीर तो वो थी जो आपने सुना, एक गिरोह का ये कहना है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। अगर ऐसा ही है तो अल्लाह ताला की तरफ से इखबार है, ख़बर देना है कि उनके ठहरने की मुद्दत 309 साल है, अगर ऐसा है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। मगर एक दूसरे गिरोह का ये कहना है, और यही हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत है कि ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं है बल्कि इख्तलाफ़ करने वालों के कलाम की हिकायत है। तो ये मुतनाज़ईन का कलाम है, मतलब उन लोगों का कलाम है जिन्होंने उनकी मुद्दत इकामत में इख्तलाफ़ किया, जिन लोगों ने उनके ठहरने की मुद्दत में इख्तलाफ़ किया उनका कलाम है, उनका कलाम है, उनका कलाम है। एक मुफस्सिर की एक जमात इस बात की कायल है, हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी बात के कायल हैं कि ये उनका कलाम है, इख्तलाफ करने वालों का कलाम है, इख्तलाफ करने वालों का कलाम है, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। दरहकीकत वो ऐसा कहते हैं कि इस कलाम का ताल्लुक वलबसु फ़ी कहफिहिम सलासमियतिन सिनीन, इस कलाम का, इस जुमले, इस फ़िक्रे का ताल्लुक पिछली आयत से है। पिछली आयत कौन सी आयत? सयकूलून सलासतुन राबिहुम कल्बुहुम वयकूलून खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, इससे है। क्या मतलब? कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन थे, तीन थे असाबे कहफ, चौथा उनका कुत्ता था। कुछ लोग ऐसा कहेंगे, तो हर एक का इत्तेफाक है कि वो तीन थे, चौथा उनका कुत्ता था, वो चार पांच थे, छठा उनका कुत्ता था। ये बहरहाल तनाज़ो करने वालों का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना कलाम नहीं है, समझ रहे। इस फ़िक्रे का भी, इस फ़िक्रे का वाला बे सूफ़ी का फ़हम फ़ला समेत इन, इसका ताल्लुक भी उसी से है। तो माना ये हुआ कि कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन थे, चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो अपने गार में 300 साल ठहरे। वज़दादू तिसअ, कुछ लोग 9 साल और बढ़ गए। तो इसका ताल्लुक उस कलाम से है। उस कलाम से होने का मतलब ये है कि इख्तलाफ़ करने वाले, उनकी मुद्दत इकामत में इख्तलाफ़ करने वाले, इख्तलाफ़ करने वालों में से एक गिरोह ने ऐसा कहा कि वो गार में 300 साल ठहरे और कुछ लोग और 9 साल बढ़ गए, यानी 309 साल ठहरे। तो 300 साल ठहरे या 309 साल गार में ठहरे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना कलाम नहीं है। मुफस्सिर की एक जमात कहती, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम नहीं बल्कि मुतनाज़ईन के कलाम की हिकायत है, यानी तनाज़ो करने वाले ऐसा कहते हैं कि वो अपने गार में 300 साल ठहरे और कुछ लोग कहते हैं 309 साल ठहरे। अब सवाल ये है कि ये दोनों तफसीर है, एक तफसीर के बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है तो इखबार है, बताना है, ख़बर देना है, इत्तला देना है कि उनकी मुद्दत इकामत 309 साल है।
और अगर मुतनाज़ईन का कलाम है, मुतनाज़ईन का कलाम है जैसा कि दूसरी तफसीर में है, तो माना ये है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं फरमाया कि उनके ठहरने की मुद्दत इतनी है, बल्कि लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोग बोले 300 साल ठहरे, कुछ लोग बोले 309 साल ठहरे, ये लोगों का कहना है। ये अब लोगों का कहना है, तो ये दो तफसीर हुई, एक वो तफसीर, एक ये तफसीर। इस सिलसिले में सवाल ये है, और जमहूर का वही कौल है कि ये इखबार है अल्लाह ताला की तरफ से, मगर इस आयत से मुत्तसिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान कुलिल्लाहु आलम बिमा लबिसु, ए नबी आप फरमा दें कि अल्लाह इनके ठहरने की मुद्दत को बेहतर जानता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कौल दाल है, ये दलील है कि पीछे पीछे वो 300 साल ठहरे या 309 साल ठहरे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कौल नहीं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कौल अगर है कि 309 साल ठहरे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें बता ही दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर ही दिया कि उनके ठहरने की मुद्दत 309 साल है। तो फिर इस जुमले का क्या माना होगा कि अल्लाह ही उनके ठहरने की मुद्दत को बेहतर जानता है, ज़्यादा जानता है, दूसरे नहीं जानते ज़्यादा। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता ही दिया, तो इस कलाम का कोई माना ही नहीं रहता। तो ये कलाम कुलिल्लाहु आलम बिमा लबिसु, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह उनके ठहरने की मुद्दत को बेहतर जानता है, ये कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कौल दलील है इस बात की, दलील है इस बात की, दाल है इस बात के ऊपर कि वो लबिसु फी कहफिहिम सलासा मिअतिन सिनीन वसदादु तिसआ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम नहीं है बल्कि मुतनाज़ईन के कलाम में से है। इसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं मुफस्सिर, ओह है हिकायतुन ले कलाम अहलिल किताब, या ये अहले किताब के कलाम की हिकायत है। अहले किताब क्या मतलब, अहले किताब के दरमियान इख्तलाफ हुआ, तो कुछ अहले किताब ने कहा 300 साल ठहरे, कुछ ने कहा 309 साल ठहरे। तो ये जो बोली हुई कि उनके ठहरने की मुद्दत 300 साल है या 309 साल है, ये अहले किताब की बोली है, ये उनका कलाम है, ये उनकी बात है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात नहीं है। और इस बात की दलील, इस बात की दलील है अल्लाहु आलम बिमाला बेसु, कहते ओ हुआ हिकायत ले कलाम अहले किताब, या ये हिकायत है अहले किताब के कलाम की। वकुलिल्लाहु आलम रद अलैहिम, अहले किताब के कलाम की हिकायत भी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान कुलिल्लाहु आलम बिमाला बेसु, ये उनका रद है कि वो दुरुस्तगी पर नहीं है, वो दुरुस्तगी पर नहीं है कि 300 साल वो ठहरे या 309 साल ठहरे, वो दुरुस्तगी पर नहीं है। उनका ये कौल दुरुस्त नहीं है कि असाबे कहफ 300 साल ठहरे या 309 साल ठहरे। मुफस्सिर की एक जमात ऐसा कहती है, मुफस्सिर की एक जमात ऐसा कहती है, और यही हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से भी रिवायत है। मगर जमहूर इस बात के कायल हैं कि ये अखबार है, क्या अखबार है, वलबसु फ़ी कहफिहिम सलासा मिअतिन सिनीन वज़दादु तिसआ, समझ लें। जमहूर मुफस्सरीन इस बात के कायल हैं कि ये अल्लाह सुबहानहु ताला की तरफ से इखबार है कि असहाबे कहफ अपने गार में इतनी मुद्दत तक ठहरे। लहू गैबुस समावाति वल अर्द, ये अंदाज़े बयां अल्लाहु आलम बिमा लबिसु, लहू गैबुस समावाति वल अर्द, ये अंदाज़े बयां खुद इस बात को बता रहा है। जुमले का इस आयत का तर्जमा ये है कि आसमानों और ज़मीन की तमाम छुपी हुई, तमाम पोशीदा चीज़ों का इल्म अल्लाह ही को है,
और इन चीज़ों के अहवाल का इल्म अल्लाह ही को है। लोग तो ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, आप कह दीजिए अल्लाह बेहतर जानता रद है। और ये जो पोशीदा चीज़ है, समझ रहे, इसका सही इल्म अल्लाह को है, लोगों के पास नहीं है। ये जुमला अल्लाहु आलम बिमा लबिसु के बाद ये ख़ुद भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लबिसु फ़ी कहफ़हिम सलासमियतिन सिनीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना कलाम नहीं है बल्कि मुतनाज़ईन का कलाम है, मुतनाज़ईन का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके कलाम की हिकायत की है, अपनी तरफ से ख़बर नहीं दिया। इसी वजह से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस बात के कायल हैं कि ये हिकायत है, इखबार नहीं है। लहू ग़ैबुस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की तमाम पोशीदा चीज़ों का इल्म उसी को है। कहते हैं ज़कर इख्तिसासुहु बिइल्म माग़ाब फ़िस समावाति वल अर्द व ख़फ़िय मिन अहवाल अहलिहा, आसमानों और ज़मीन में जितनी पोशीदा चीज़ें हैं उसका इल्म अल्लाह के साथ, उसे ख़ास अल्लाह को उसका इल्म है। इसी तरीके से इन तमाम चीज़ों के हालात का इल्म भी अल्लाह ही को है। अब सिर बही वास में, क्या खूब सुनने वाला है वो, अब सिर बही क्या खूब देखने वाला है वो, वास में और क्या खूब सुनने वाला है वो, बहुत खूब देखने वाला है वो, बहुत खूब सुनने वाला है वो। अस में जिस तरीके से अब सिर बही के बाद बही है, इसी तरीके से अस्मे के बाद भी बही मुकद्दर है, क्योंकि ये अफ़ाल ताज्जुब में से है और अफ़ाल ताज्जुब का दो वज़न है, मा अफ़अलहु अफ़इल बही, ये दूसरे वज़न अफ़इल अफ़इल बही के वज़न पर है। किस कदर देखने वाला है वो, किस कदर सुनने वाला है वो। माना ये है कि मा अबसरहु बिकुल मौजूद, हर एक मौजूद पर कितनी खूब नज़र है उसकी, हर एक मस्मू को क्या खूब सुनने वाला है वो। मा लहुम मिन दूनिहि मिन वलीयिन, मा लहुम मिन दूनिहि मिन वलीयिन, ज़मीन व आसमान की मखलूकात के लिए अल्लाह के सिवा कोई और खबरगीर नहीं है। ज़मीन व आसमान की मखलूकात के लिए, मखलूकात के लिए अल्लाह के सिवा कोई और खबरगीर नहीं। मालूम अहले अहले समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की मखलूकात के लिए मालूम मिन दूनिही मिन वली, कोई खबरगीर नहीं है। मिन दूनिही उसके सिवा, अल्लाह के सिवा, वली मुफस्सिर कहते हैं मुतवल्ली लिउमूरहिम, लोगों मखलूकात के मामलात का मुंतज़िम, मुतवल्ली मुंतज़िम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि आसमानों और ज़मीन की मखलूकात का मुंतज़िम अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं है, बस इन सब का मुंतज़िम अल्लाह है, अल्लाह है, दूसरा कोई आसमानों ज़मीन की किसी मखलूक का मुंतज़िम नहीं है। इसलिए दूसरे किसी को हक नहीं पहुंचता है कि वो अपनी इबादत करे, दूसरा कोई कतअन इस लायक नहीं है कि उसकी परस्तिश की जाए। वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ैसले में, फ़ी क़ज़ाही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ैसले में उनमें से आसमानों ज़मीन वालों में से किसी को शरीक नहीं फरमाता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फ़ैसला करता है उस फ़ैसले में वो किसी को शरीक नहीं ठहराता है, किसी से पूछ करके उसे फ़ैसला नहीं करना पड़ता है, बग़ैर किसी से पूछे हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ैसला फरमाता है। वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ैसले में उनमें से किसी को शरीक नहीं फरमाता है। वला तुशरिक अलन नहीं, वो वला युशरिकु कुर्रा सबा में से एक किरत है और फ़िल मुज़ारे मनफी मारूफ है, इखबार है। और एक दूसरी किरत इब्ने आमिर शामी की है जो ला युशरिकु के बजाय वला तुशरिक, उसको कहते हैं कि वला तुशरिक
अलन नहीं, अगर वला तुशरिक है तो ये फ़ेले नहीं है, और वला तुशरिक ये किरत है इब्ने आमिर शामी की। असहाबे कहफ़ का किस्सा यहाँ ख़त्म हुआ। असहाबे कहफ़ के किस्सा ख़त्म होने के बाद अब यहाँ से दूसरा मज़मून शुरू हो रहा है। इसमें उन हालात पर तबसरा है जो उस वक्त मुसलमानों उस वक्त मक्का में मुसलमानों को दरपेश थे। वतलु माऊहिया, वतलु माऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिका ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। ए नबी, आप पर आपके रब की तरफ से जो किताब वही की गई है उसे हू बहू सुनाते जाएं। ए महबूब, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही की गई है उसे हू बहू सुनाएं। ये जो आयत आ रही है, इस आयत का राबता बताने के लिए मुफस्सिर ऊपर में कहते हैं, कानू यकुलून लहू एतेबे कुरआनिन गैरे हाजा औ बद्दिल वकील लहू। राबता या सबब नुज़ूल, यानी मुफस्सिर आने वाली आयत वतलु माऊहिया इलैक मिन किताब रब्बिक इस आयत का सबब नुज़ूल बताते हैं, शान नुज़ूल बताते हैं, और शान नुज़ूल में मुफस्सिर ये कहते हैं, मुफस्सिर ऐसा कहते हैं कि कानू यकुलून लहू, मक्का के कुफार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, इसके अलावा आप कोई और कुरान लाइए या इस कुरान को चेंज कीजिए तब हम आप पर ईमान लाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मक्का के कुछ सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और हाज़िर होकर अर्ज़ किए कि ये कुरान जो आप पेश कर रहे हैं इसमें ज़रा चेंजिंग कीजिए, इसमें ज़रा तब्दीली कीजिए और दूसरा कुरान लाइए तब हम आपके ऊपर ईमान लाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मौके पर ये आयत नाजिल फरमाया, वतलु माऊहिया इलैक मिन किताब रब्बिक, ए महबूब, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही की गई उसे हू बहू सुनाए। एक सवाल, वतलु माऊहिया, क्या सरदारा ने कुरैश की इस दरख्वास्त पर कि ज़रा कुरान में चेंजिंग कीजिए, तब्दीली कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ अल्लाह क्या कुरान में कुछ तब्दीली करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ मुसालहत के लिए सोच रहे थे, तो ये आयत नाजिल हुई? क्या ऐसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना रहे थे मुसालहत कर ली जाए कुछ चेंजिंग करके? माज़ अल्लाह, क्या ऐसा है जो ये आयत नाजिल हुई? जवाब, वतलू यकीनन यहाँ ख़िताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मुखातब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसमें कोई शुबा नहीं है, मगर गुफ्तगू का रुख, सुखन का रुख कुफ्फारे मक्का सरदाराने मक्का की तरफ है। यानी मुखातब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया जा रहा है, ख़िताब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जा रहा है, मगर इस ख़िताब का रुख कुफ्फारे मक्का उन सरदारान की तरफ है जिन्होंने चेंजिंग की बात की थी, उनकी तरफ है। ये क्या मतलब, मुखातब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और रूए सुखन सरदारान कुरैश की तरफ है, कुफ्फारे कुरैश की तरफ है? हमारी गुफ्तगू में भी, हमारी बातचीत में भी ऐसा बहुत होता है।
कई मरतबा देखने में आता है कि बीवी अपने शौहर से गुस्से में होती है, नाराज़ होती है, तो बच्चे को डांटती है, बच्चे को मारती है, बुरा भला बच्चे को कहती है। तो मुखातब तो बच्चा है मगर खिताब करो बच्चे का बाप है। उसी तरीके से यहाँ मुखातब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मगर खिताब करुख सरदाराने कुरैश की तरफ है, कुफ्फारे कुरैश की तरफ है, कुफ्फारे मक्का की तरफ है, रुख उधर है कि इस किताब में चेंजिंग, इस किताब में तब्दीली तो उसका कोई मुजाज नहीं है। वला मुबद्दिल लिकलिमातिही, इसकी इजाज़त किसी को नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचे भी कि इसमें चेंजिंग कर दें, इसमें तब्दीली कर दें, तो उसको मेरे सिवा और कहाँ जाए पनाह मिलेगा, मेरे सिवा और कहाँ उसे ठिकाना मिलेगा। तो गुफ्तगू का रुख रूए सुखन उनकी तरफ है। दरअसल कुफ्फारे मक्का, कुफ्फारे कुरैश सरदाराने कुरैश को सुनाना है कि ये किताब अटल है, इसमें कोई चेंजिंग का मजाज नहीं है, किसी को इजाज़त नहीं है, किसी को मजाल नहीं है कि इस किताब में तब्दीली करे, खा कोई हो। ये किताब अल्लाह की है, अगर उसमें तब्दीली कर सकता है तो जिसकी किताब है वही कर सकता है, वो अल्लाह है, किसी इंसान की मजाल नहीं है कि इसमें तब्दीली करे। वतलू मा उही अलैका मिन किताब रब्बिका, ए महबूब तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही की गई उसे हू बहू सुनाते जाएं। मिन किताब रब्बिका, ए मिनल कुरान, तफसीर, इस तफसीर से मुसन्निफ़ इस बात का फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, इस तफसीर से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि रब की किताब तो कुरान के सिवा और बहुत सी है, मगर यहाँ पर रब की किताब से मुराद कुरान है क्योंकि गुफ्तगू उसी के बारे में चल रही है। मिनल कुरान से इशारा करना चाह रहे हैं कि रब की किताब से मुराद कुरान है, अपने रब की किताब में से यानी कुरान में से जो आप पर वही की गई उसे हू बहू आप सुनाते रहें। वला तस्मा लिमा यहुज़ून बिही मिन तलबित तब्दील, और कान न धरें उन बातों की तरफ जो वो बकते हैं मक्का के कुफार सरदाराने कुरैश, और कान न धरें उन बातों की तरफ जो वो बकते हैं। मिन तलबी तब्दील, क्या बकते हैं? तब्दीली की तलब, चेंजिंग का मुतालबा, इधर कान न धरें। फ़इन्नहु ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, कान न धरें क्योंकि अल्लाह के फरमुदात को कोई बदल नहीं सकता। ऐ ला यक़दिर वाहदुन अला तब्दीलिहा व तग़यीरिहा, किसी में मजाल नहीं है कि उसे बदल दे, उसे चेंज कर दे। इन्नमा यक़दिरु अला ज़ालिक हुवा वाहदहु, अगर कोई उस किताब में तब्दीली कर सकता तो वो सिर्फ़ एक ज़ात है और वो अल्लाह की ज़ात है। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, ए मलजा तादिलु इलैह इन हममत बिज़ालिक अला सबीलिल फ़र्ज़, अगर तुमने कसद भी किया कुछ बदलने का तो उसके सिवा तुम कोई ठिकाना नहीं पाओगे। मैं इसका जवाब दे चुका, यानी ये सुनाना है सरदाराने कुरैश को कि किसी की मजाल नहीं है कि इसमें तब्दीली कर दे, अगर कोई भी इसमें तब्दीली करे तो उसके लिए कोई जगह नहीं होगी जहां वो भाग करके जाए। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा,
और उसके सिवा उसके उससे के सिवा या उससे बचकर भागने के लिए कोई जाए पनाह नहीं पाओगे। ये गुफ्तगू यहाँ ख़त्म हुई। وَلَمَّا قَالَ قَوْمٌ مِّن رُؤُسَاءِ الْكَفَرَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ये जो मुफस्सिर फरमा रहे हैं وَلَمَّا قَالَ قَوْمٌ مِّن رُؤُسَاءِ الْكَفَرَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ये आने वाली आयत यानी وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ये जो आने वाली आयत है इसकी शानी नुज़ूल इसका सबब नुज़ूल बताना चाह रहे हैं। पहले हम इस आयत को देखते हैं। वस्बिर नफ्सक मअ लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदात वल अशी, ए महबूब आप अपने दिल को उन लोगों की मईयत पर मुतमईन करो जो अपने रब की रज़ा के तलबगार बनकर सुबह शाम उसे पुकारते हैं। इस आयत के नुज़ूल का सबब क्या है? तो मुफस्सिर कहते हैं लम्मा काल कौम मिन रूसाइल कफरा, जब सरदारा ने कुफारे मक्का में से एक जमात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया। क्या अर्ज़ किया? सरदारा ने कुरैश में से कुफार यानी काफिर सरदारान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कुफार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किए, हम तो आपकी मजलिस में बैठना चाहते हैं, बैठकर सुनना चाहते हैं कि आपकी तालीम क्या है, आप क्या कहते हैं सुनना चाहते हैं, मगर हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता है कि हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आपकी मजलिस में कुछ गरीब लोग बैठते हैं और उनके साथ बैठने को हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता है, तो आप इनको अपने पास से हटाएं ताकि हम आपकी मजलिस में आकर आपकी बात सुने। तो ये आयत नाजिल हुई, मगर आप ज़रा गौर करो असहाबे कहफ का किस्सा ख़त्म होते ही पहली आयत और ये आयत फौरन आ रही है। मक्का के हालात पर इससे रोशनी पड़ रही है कि मक्का में मुसलमानों के लिए क्या हालात कुफारे कुरैश कुफारे मक्का बनाए हुए थे, मगर असहाबे कहफ के किस्सा के ख़त्म होते ही ये बयान शुरू हो रहा है। वस्बिर पहले वतलू फिर वस्बिर नफ्सक ये बयान शुरू हो रहा है, तो इस बयान के शुरू करने से पहले असहाबे कहफ का किस्सा, असहाबे कहफ के किस्से में तालीम ये थी कि देखो कुछ नेक बंदों ने ईमान के लिए बादशाह से भी समझौता नहीं किया और ईमान के लिए बड़े से बड़े ओहदे को भी छोड़ दिया, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार वतन सब को छोड़ दिया, फिर ये किस्सा आ रहा। तो यहाँ जो चीज़ महबूब है जो मरगूब है वो ईमान है, तो जिसके दिल में ईमान है व
वही अल्लाह का महबूब है। इसलिए इसलिए आप अपने आप को उनके साथ मुतमईन रखें, उन लोगों की परवाह ना करें। अब यहाँ पर भी एक सवाल, क्या ये सच्चे अहले ईमान, अगरचे वो गरीब थे, गुलाम थे, मगर सच्चे अहले ईमान थे, क्या सचमुच ऐसा कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे थे कि उनके कहने की वजह से इनको हटा दिया जाए, जो ये आयत आई? जवाब वही है जो मासबक में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि मुखातब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मगर रुए सुखन उन्हीं सरदारा ने कुफारे कुरैश की तरफ है, सुनाना दरअसल उन्हीं को है। कि तुम्हारी ये जीनत, तुम्हारे माल व दौलत लाजवाल नहीं है, ये फ़ानी है। अल्लाह और रसूल की नज़र में तुम्हारे माल व दौलत की कोई कीमत नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में अगर कीमती कोई चीज़ है तो वो ईमान है, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनूदी के लिए फ़िक्रमंद रहना है। ये अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में महबूब व मरगूब है। तुम्हारी वो दौलत अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में महबूब और मरगूब नहीं है, तो तुम को अगर अपनी दौलत पर नाज है तो अपनी दौलत लेकर बैठे रहो, मगर अल्लाह और उसके रसूल को जो चीज़ महबूब है वो तो दौलत ईमान है। वस्बिर नफ्सक है ए नबी, आप अपने दिल को उन लोगों की मैयत पर मुतमईन कीजिए जो अपने रब की रज़ा के तलबगार बनकर सुबह शाम उसे पुकारते हैं। मुफसिर तफसीर करते हैं, वह बस हा ए वह बस नफ्स के, अपने नफ्स को रोकिए, सब्र हब्सुन नफ्स रोकने का नाम है। आप अपने नफ्स को रोकिए उन लोगों के साथ, वसब्बित था और उसे साबित रखिए। अल्लज़ीन यदऊना रब्बहुम, जो अपने रब को पुकारते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ, पहले सलीस तर्जुमा था, जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह शाम, दायबीन अला दुआ फ़ी कुल्ले वक्त, इस तफसीर इशारा करना चाह रहे हैं कि अपने रब को पुकारते हैं सुबह में और शाम में, तो यहाँ पर मुराद ये नहीं है कि सिर्फ सुबह में और सिर्फ शाम में पुकारते हैं, बल्कि मुराद ये है कि हर वक्त अपने रब से दुआ करते हैं। ये कैसे मुराद? हमारी ज़बान में भी ऐसा बोला जाता है, अरे वाह सुबह शाम मेरा यही काम है, मैं खुद बोलता हूँ सुबह शाम पढ़ाना ही मेरा काम है। तो ये मतलब नहीं कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त पढ़ाना मेरा काम है, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये कि हर वक्त मेरा यही काम है। तो जिस तरीके से हमारी ज़बान में सुबह शाम जमी औकात को, हर पूरे वक्त को, तमाम वक्त को बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ पर मुराद ये है कि अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं, यानी हर वक्त अपने रब से दुआ करते रहते हैं। एक तफसीर तो ये थी, दूसरी तफसीर भी की गई है कि सुबह के वक्त अपने रब से दुआ करते हैं, शाम के वक्त अपने रब से दुआ करते हैं, तो सुबह के वक्त या सुबह के वक्त अपने रब से दुआ करते हैं, सुबह में क्यों दुआ करते हैं? ले तलब तौफीक व तहसीर, तौफीक व तहसीर की तलब के लिए, तौफीक व तहसीर की तलब के लिए, यानी सुबह के वक्त अपने रब से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें कार खैर की तौफीक दे, अच्छे काम करने की तौफीक दे, और ए अल्लाह हमारे लिए हमारे काम को आसान बना दे। तो सुबह के वक्त में दुआ करते हैं तौफीक और तहसीर मांगने के लिए, वल अश्य, और शाम के वक्त में दुआ करते हैं तकसीर की माफ़ी मांगने के लिए, शाम के वक्त दुआ करते हैं ए अल्लाह दिन भर हमने जो काम किया उसमें जो हमसे कमी रह गई उसे माफ़ कर दे।
तो या तो ये माना है बिलगदात वला शी का, या एक एहतमाल और है कि सुबह की दुआ और शाम की दुआ से मुराद ये हो औ हुमा सलातुल फजर वल असर, या वो दोनों फजर और असर की नमाज हैं। ये तीसरी तफसीर है कि सुबह की दुआ और शाम की दुआ, वो सुबह में दुआ करते हैं शाम में दुआ करते हैं, इसका माना ये है कि फजर की नमाज़ पढ़ते असर की नमाज़ पढ़ते। बिलगुदवत शामी, इससे इख्तलाफी किरत की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि आम कुर्रा की तो किरत वही है बिलगदात वलशी, मगर इब्ने आमिर शामी की किरत बिलगुदवा है। तो यदऊन रब्बहुम, अपने रब को पुकारते रहते हैं, युरीदून वजहहू, उसके चेहरे की चाहत में, यहाँ पर मुराद है अपने रब की रज़ा की चाहत में, वला तादुआइनाक अन्हुम, आपकी आँखें उनसे तिरछी ना हो हमारी ज़बान में, आपकी आँखें उनसे आगे न बढ़ें, अपनी निगाह उनसे हरगिज़ न फेरें। मुफस्सिर कहते हैं आपकी निगाहें उनसे गुज़र न जाए, मुराद ये है वला तुजाविस अदा हो इज़ा जावज़ हो, बोला जाता है अदा हो ये उस वक्त जबकि कोई चीज़ किसी से आगे बढ़ जाती, आपकी नज़रें उससे आगे ना बढ़े। मगर एक सवाल ये होता कि अदा जब तजावज़ के माने में होता तो उसका सिला अन नहीं आता, और यहाँ पर वला तादो इसका सिला अन आया है, तो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ नबा के माने की तज़मीन है। ये तज़मीन क्या होती है? तज़मीन एक इस्तिलाही लफ्ज़ है। तज़मीन किसी फ़ेल या शिबह फ़ेल में दूसरे फ़ेल या शिबह फ़ेल के माने का ख़याल करना, लिहाज करना, उस दूसरे फ़ेल या शिबह फ़ेल के मुनासिब को ज़िक्र करके, ये है तस्वीर। तो यहाँ पर असल में ठीक है अदा का सिला अन नहीं आता, मगर इसमें नब के माने की तज़मीन है और उसका सिला अन आता है, इसी वजह से यहाँ पर वला तादु के साथ अनहुम है। तो मुफस्सिर कहते हैं और इसको अन के ज़रिए से मुतादी लाया गया, क्यों? क्योंकि अदा नब के माना को मुतज़म्मिन है। तुम्हारे कौल नबत अन हो ऐन हो उस अन हो ऐन हो उसकी नज़र उससे धुंधली हो गई, ज़ायल हो गई, हट गई। तो सवाल तज़मीन की क्या ज़रूरत थी? फ़ायदा तो तज़मीन एताओ मजमू मानैन, तज़मीन का क्या फ़ायदा होता है? तज़मीन का फ़ायदा ये होता है कि दो माने के मजमुआ देना, वज़ाले का अकवा, यानी एक साथ दो माना को अदा करना, वज़ाले का अकवा मिन एताए मानन वाहिद, और ज़ाहिर सी बात है कि ये सिर्फ़ एक माने के देने से अकवा है। तुरीदो ज़ीनतल हयात दुनिया, इसका ताल्लुक वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदात वलशी युरीदून वजहहु वला तादु ऐनाक अनहुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, क्या तुम दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत चाहते हो? मुफस्सिर के बकौल ये हाल की जगह में है वला तादु ऐनाक अनहुम, तुम्हारी आँखें उनसे तिरछी ना हों, तुम्हारी आँखें उनसे गुज़र न जाए दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत की चाहत में। फी मौज़िल हाल, ये हाल की जगह है। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, ए नबी
उसकी इताहत ना करो, उसकी बात ना मानो जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया। ये वो लोग हैं, ये वो सरदारान हैं जिनके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया, लिहाजा उनकी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, इताहत ना करो उस शख्स की जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया। अग़फ़लना क़ल्बहु, हमने उसके दिल को गाफिल कर दिया। मन जअलना क़ल्बहु गाफिला, यानी जिसके दिल को हमने ज़िक्र से अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया। वहुवा दलील लना अला अन्नहु ताला खालिकु अफ़ालिल इबाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान कि उसकी बात न मानो जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया, जिसके दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, कि इस कॉल से ये बात मालूम होती है कि हमारे जो काम हैं वो भी बनते हैं अल्लाह के करने से, हमारे जो काम हैं वो भी होते हैं अल्लाह के करने से। यानी इससे ये बात मालूम होती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीके से हमको पैदा किया, हम इंसानों को पैदा किया, जिस तरीके से हम इंसानों को पैदा किया, उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आमाल को भी पैदा किया। ये एक बहस की तरफ इशारा है। असल में एक ज़माने में इख्तलाफ रहा कि क्या जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों का खालिक है, इंसानों का खालिक है, उसके आमाल का भी खालिक है, तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरीके से हमारा खालिक है वैसे हमारे आमाल का भी खालिक है। मुफस्सिर कहते हैं इस आयत में एक दलील है, इसकी और भी दलील हैं। मसलन एक दूसरी आयत में है वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह तुम्हारा भी खालिक है, तुम्हारे आमाल का भी खालिक है, अल्लाह ने तुमको भी पैदा किया और तुम्हारे उन कामों को भी पैदा किया जो तुम करते हो। वह दलील लना अला अन्नहु ताला खालिकु अफ़ालिल इबाद, ये हमारे लिए एक दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के अफ़ाल का खालिक है। वत्तबअ हवाहु मातूफ़ है अग़फ़लना पर, यानी उसकी बात ना मानो जिसके दिल को हमने गाफिल किया और जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी अख्तियार की, जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी अख्तियार की, उसकी बात ना मानो। वकान अमरहु फुरता, उसका मामला तो इफ़रात व तफरीत पर मबनी है, उसका मामला तो इफ़रात व तफरीत पर मबनी है। इत्तबा, जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की, और वकान अमरहु फुरता, और जिसका मामला इफ़रात व तफरीत पर मबनी है। एक दूसरी तफसीर मुजावज़ा अनिल हक के हक को, वो जो हक को पीछे छोड़कर सरपट भागने वाला है उसकी बात ना मानो।